फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। एक नए व्लॉग में आपका वेलकम करते हैं और आज आप सुन रहे होंगे बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं गाने बजाने की। तो आज है स्पेशल कैरल सिंगिंग का प्रोग्राम। ये है मेरा घर पीछे और अभी यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं और आप देखिएगा क्या क्या होता है। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आज के इस व्लॉग को आप इंजॉय करिए बिकॉज ये क्रिसमस सीरीज के व्लॉग्स हैं। और अभी हम थोड़ी देर में चलेंगे मेरे घर के अंदर और दिखाता हूँ उससे पहले कि क्या क्या हो रहा है। स्टे ट्यून। अभी चल रही है कैरल सिंगिंग, तो ये अभी हमारे बाजू वाले घर में हो रही है। इसके बाद हमारे यहाँ पर अभी सब लोग आएंगे, खूब सारा धमाल करेंगे। A few moments later. गाइस, कल रात को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ऑल्दो मैं भी इतना डांस करने लग गया कि मैं वीडियो ढंग से शूट नहीं कर पाया, बट बहुत ज़्यादा मज़ा आया। घर को हमने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था और कैरल सिंगिंग बहुत ही अच्छी हुई। और अभी इस समय हूँ मैं चर्च के पास, यानी कि चर्च में अभी मैं जाने वाला हूँ क्योंकि चर्च में हो रही है डेकोरेशन क्रिसमस के लिए। तो अभी अंदर जा करके थोड़ा सा ग्लिम्प्स दिखाऊंगा कौन कौन है हमारे यूथ में, उन सभी लोगों से भी आपको मिल पाता हूँ। तो अभी चलते हैं और थोड़ी सी डेकोरेशन भी आपको दिखाऊँगा। लेट्स गो। तो देखिए अभी हम आ चुके हैं चर्च के अंदर और ये देखिए ऊपर की डेकोरेशन कुछ इस तरीके से है। क्या अमेजिंग व्यू आ रहा है, आप कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है ना। मस्त एकदम यार, मज़ा आ गया। अभी यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं यूथ से जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, सारे मतलब काम यही कर रहे हैं, मैं तो बस गाइड कर रहा हूँ इन लोग को थोड़ा बहुत। ये है अभिषेक और ये मेरे नेबर भी है और उधर है मर्सी एंड इधर है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आयुषी एंड यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है ऐसी। तो अभी ये देखिए सेंटा जो पड़े हुए हैं ना यहाँ पर, इनके पैर यहाँ पे हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और ये सेंटा अभी असेंबल हो जाएंगे बाद में। तो ये एक अलग ही कहानी है, ये जब मैं आपको क्रिसमस वाले दिन दिखाऊंगा कि ये कैसा लगता है करते मूव। तो गाइस आज हमें जाना पड़ रहा है दिल्ली कुछ काम से बाहर, आप देख सकते हो। अभी तो ये एक छोटा सा गांव आ गया तो कोहरा कम दिख रहा है, वरना कोहरा बहुत ज़बरदस्त पड़ रहा है। अभी फिलहाल जा रहे हैं दिल्ली और आगे का जैसा भी होगा आपसे शेयर करेंगे। क्यों जा रहे हैं, क्या है वो आपको आगे बताएंगे। लेट्स गो। हम लोग दिल्ली आ चुके हैं और अभी हमने सारा कुछ काम अपना फिनिश कर लिया है। और सारा कुछ काम क्या था, मुझे कुछ गाड़ी से रिलेटेड काम था वो करने के लिए हम आए थे बेसिकली। और अभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। आज ये रिटर्न होना है, मतलब अब ये नेक्स्ट डे हो चुका है। तो आज हम अच्छा, ये है बाहर का सीन, आप देखो कोहरा। तो ऐसा लग रहा है कि शायद कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, बट कोहरा काफ़ी ज़्यादा है। आगे में ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी चलते हैं। तो हमारा काम ऑलमोस्ट हो गया है, अब हमें निकलना है एक्चुअल में वापसी। लेकिन मैंने सोचा आपसे ये ग्लिम्स ज़रूर दिखाना चाहिए। ये देखो आप क्या मस्त कोहरा हो रहा भाई साहब। अभी इसीलिए थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे। अभी हम जा रहे हैं, हमारे जो पास्टर जी हैं उनसे मिलने जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम निकलेंगे अपनी मंजिल की ओर। ये देखो भाई कुछ नहीं दिखाई दे रहा आगे, ऐसा लग रहा है दिया सा जल रहा है। वो देखो दिया आ रहा है दूर से और पास आ जाता तो लगता गाड़ी है। ये देखो मेरे साथ कौन आया है, पहली बार मरियानस मेरे साथ आया है दिल्ली। हम लोग का अचानक से प्लान बना, मैं आ ही रहा था और मरियानस की छुट्टी थी तो मैंने कहा यार चलो घूम के आते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम आए हैं, इनसे भी जानेंगे इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्यों मरियानस कैसा रहा? अच्छा लगा। अच्छा लगा, पहली बार आया अच्छी लगी। अच्छा लगा ना।
तो इन्हें भी बड़ा मज़ा आया और मुझे भी बड़ा मज़ा आया। हम लोग दोनों साथ में निकले, अकेले आता यार बोर हो जाता, पर हम लोग दोनों साथ में आए। तो अभी हम जा रहे हैं पास्टर जी के घर, उसके बाद हम वापस निकलेंगे। लेकिन भाई ठंड बहुत है, बड़ा मज़ा आ रहा है। लेट्स एंजॉय एट आवर पास्टर जी'स होम। सो इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, इज़न्ट इट? चलिए उनसे मिलते हैं फिर निकलेंगे। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं गाड़ी में। भाई बाहर हो रहा है बहुत ज़्यादा ठंडा, अब गाड़ी में आकर के थोड़ा रिलीफ मिल रहा है और पास्टर जी से मिलना हो गया था। तो अभी मैं हूँ अपने पुराने घर के पास, जहाँ हम रहते थे। तो बस अब वहीं से विदा ले रहे हैं और चलते हैं घर की तरफ। पास ये देखो, ये है हमारा पुराना घर, वो जो सेकेंड फ्लोर पर हम रहते थे। चलिए चलते हैं फिर। तो अभी निकलते हुए मैं आ गया था अपनी जिम में भी। भाई यही जिम है जहाँ पे बहुत तबाही मचाई थी मैंने। यहीं पे मैंने अपना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया था। यहाँ पे भाई 30 किलो वजन घटाया था मैंने लास्ट ईयर। अगर आप मेरे लास्ट ईयर से पहले के व्लॉग देखोगे ना, तब मुझे देखना और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। तो वही है कि यहाँ पे ही जो कहते हैं ना हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम, वैसे मैंने लग के यहाँ जिम करके भाई अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म किया। तो सभी जानते हैं यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि चलो यार भाई लोगों से मिल लेता हूँ, क्योंकि अभी किसी को पता नहीं मैं आ नहीं रहा हूँ उतने दिन से, तो क्या रीज़न है करके ना। तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट मिलके एक बार भाई लोगों से मिल लेता हूँ। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं सीधे। अभी भाई हम लोग नोएडा में एंटर किए। देखो बिल्डिंग भी विजिबल नहीं है, कोहरा काफ़ी अच्छा हो रखा है। अभी तो खैर क्लियर हो गया, रोड पे देखे तो क्लियर है, लेकिन अभी बाकी विजिबिलिटी कम हो रखी है। और ये देखिए यहाँ पर आज हमारे चर्च में स्पोर्ट्स डे है, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स हो रहा है। अभी बच्चों की रेस हो रही है ये जलेबी वाली। और यहाँ पे अभी ये जो गेम हो रहा है इसमें, वो जो बीच में मटका रखा है ना, उसको डंडे से फोड़ना है। Much later. Guys, आज हो रहा है क्रिसमस मेला और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे काफी सारे लोग खड़े हुए। मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्या क्या हो रहा है। तो हमने और मतलब मैं यूथ का एक सीनियर होने के नाते और हमारे यूथ ने मिलकर के एक स्टॉल लगाई जहाँ पर हम कबाब रोल्स बना रहे हैं। तो आपको दिखाऊंगा अभी। और ये क्रिसमस के टाइम पे हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है, सब लोग मिलजुल के एंजॉय करते हैं। दिखाता हूँ गाइस, ये हैं मेरे कुछ फ्रेंड्स जो बात आपसे बात करना चाहते थे। बता दो आप क्या मैसेज देना चाहते हो। भैया का चैनल सब्सक्राइब कर देना, हाँ, करना, कमेंट करना और अच्छे-अच्छे मैसेज देना। वाह, इधर देखिए ये है, यहाँ पर स्टॉल लगी हुई है, ये हमारे बिरयानी है, बिरयानी बिरयानी लगाई है यहाँ पर, बिरयानी है ना, क्या मस्त है। तो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हाँ अभी लेंगे बेटा। और इधर है, इधर इधर है प्रिंसी, इधर हमारे ये बन रहे हैं कबाब और इधर हमारे बन रहे हैं रोल्स। और हालांकि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अभी मेरी जगह टेक ओवर हुई है। और अभी इधर आटा गूंद रहा है और यहाँ पर सारी टीम वाले सब लोग काम कर रहे हैं, कस्टमर वेट कर रहे हैं और इधर सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। Eventually. So guys, कल बहुत ही मजा आया, हम लोगों ने मेले को भी खूब एंजॉय किया। मैं तो बैक एंड पे काम ही कर रहा था, तो मतलब उस लेवल से मैं एंजॉय नहीं कर पाया, बट बाकी सब लोगों ने हमारा फूड बहुत एंजॉय किया। हमने बनाए थे कबाब रोल्स और बगल में बिरयानी भी थी और भी सारी चीज़ें थी, अंडे वगैरह भी थे। तो सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया और हम सभी ने बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि इसके अंदर सारी क्रिसमस वाइब मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं सारी चीज़ों के छोटे छोटे क्लिप्स मैंने आपसे शेयर किए, बिकॉज बड़े बड़े व्लॉग्स मैंने ना शेयर करके सबको शॉर्ट में कवर किया। तो इस एफर्ट के लिए यार एक लाइक तो बनता है, और अगर चैनल पर आए हो तो कमेंट भी करना, सब्सक्राइब भी करना, और अगर अच्छा लगे तो यार शेयर भी कर देना और चैनल को सपोर्ट करिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में, चलता है।